इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के गया में आरजेडी के बाहुबली विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती रात 11:30 बजे के करीब विधायक जब एक शादी समारोह से लौट रहे थे तो सिमरा गांव के पास सुनसान सड़क पर पेड़ गिराकर पूर्व विधायक के काफिलों को रोकने की कोशिश की गई। पूर्व विधायक की गाड़ी जब पेड़ के पास पहुंची तो हथियारबंद बदमाशों ने इस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, विधायक के अंगरक्षकों ने भी जवाबी फायरिंग की और गाड़ी रिवर्स गियर में लेकर वहां से भागी। इस गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ है। हम घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीती रात 11:30 बजे के करीब विधायक जब एक शादी समारोह से लौट रहे थे तो सिमरा गांव के पास सुनसान सड़क पर पेड़ गिराकर, बकायदा प्लान करके पेड़ गिराकर विधायक के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी विधायक पर हुआ है हमला, गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वो लोग कौन थे, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उनकी संख्या कितनी थी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जब पेड़ के पास गाड़ी पहुंची तो हथियारबंद बदमाशों ने विधायक की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अच्छी बात यह रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वो बदमाश थे कौन, पुलिस क्या इस बारे में पता लगा पाई है? पुलिस तलाश कर रही है उन बदमाशों को, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेंद्र यादव की भी आपराधिक छवि रही है और उनका इस इलाके में काफी दबदबा रहा है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बदमाशों ने कोई पुराने वारदात को लेकर की कुछ बदले की कार्रवाई की है, लेकिन अभी कुछ भी पुलिस नहीं कह रही है कि आखिर क्या मामला था। और विधायक भी अभी सीधे तौर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी अपराधी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से जो अभी गोलियां चली हैं उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में जिस तरह से विधायक पर हमला हुआ है किसी साजिश के तहत हुआ है या फिर यूं ही जो पुरानी अदावत है उसको देखते हुए हुआ है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रकाश कुमार आपका। तो क्या पुरानी रंजिश है जिसके तहत इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, आरजेडी विधायक पर हमला किया गया, पुलिस ये तमाम सवाल है जिनका जवाब तलाशने में जुटी हुई है। और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो जिन लोगों ने हमला किया है उन हमलावरों को पकड़े। इस पूरे मामले में आरजेडी विधायक की ओर से क्या कुछ कहा गया है सुनिए। तो हमको शक नहीं है, अब तो प्रशासन ने नाम सामने ला देगा। अपराधी थे या माओवादी? नहीं, ये कौन होगा, अंधाला में लोग था, वो सब तो अंधाला में था, तो हम ये कैसे बोल दे कि अपराधी है कि माओवादी है, पर दोनों में कोई हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।